अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे फंक्शंस पढ़े हैं। द वेरी फर्स्ट फंक्शन जो कि इससे रिलेट करता है, इसीलिए आपको वो भी मतलब कि हमेशा यू हैव टू रिमेम्बर, द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। तो जब हम ये वर्ड कहते हैं प्लान, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ ब्लूप्रिंट बनाना, जिसका मतलब ये है कि वॉट टू बी डन एंड वॉट नॉट टू बी डन, हाउ इट इट हैज टू बी डन, राइट। तो जब हम ये बात कहते हैं कि प्लान करना है, तो क्या प्लान करने से काम पूरा हो जाता है? नॉट एट ऑल। जब तक आप उसको फॉलो अप नहीं करते हो, जब तक आप उस पर कंट्रोल नहीं करते हो, प्लानिंग इज फ्यूटाइल। प्लानिंग सिर्फ एक पेपर पे है, जब तक आपने उसको लागू नहीं किया है, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिजल्ट्स। और वही हमारा चैप्टर आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो हमने एक्टिविटीज के लिए जो प्लानिंग की है, जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है, वो एक्टिविटीज वैसे ही हो रही है जैसा हमने सोचा था, क्योंकि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। कंट्रोलिंग इज वेदर दोज थिंग्स आर बीइंग डन और नॉट, चेकिंग इट टाइम टू टाइम। एक सिंपल एग्जाम्पल है, आपके जो मतलब की जो एग्जाम्स होते हैं, व्हाई दैट इज देयर, एग्जाम क्यों होते हैं? एग्जाम इज इन अनदर वे कंट्रोल, यानी कि आप जो काम कर रहे हो, आपने जो पढ़ाई की है, वेदर आपको वो चीज समझ आई है, जैसा आपके टीचर ने जितना आपको समझाया था, आर यू एबल टू जॉट इट डाउन इन द सेम मैनर? बिल्कुल जैसा आपकी टीचर ने कहा था वैसा आपको समझ आ रहा है? एंड दैट इज वेयर कंट्रोलिंग इज देयर, क्योंकि आपका जब फाइनल एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम विच इज गोइंग टू बी योर प्रेजेंटेशन, उससे पहले आपके टीचर्स आपको बार 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 आपको दे जो है, दे ट्राई टू टेक द टेस्ट एंड दे ट्राई टू कंट्रोल। नाउ कंट्रोलिंग इज नॉट ओनली द एग्जाम, आपका जो स्कूल के अंदर डिसिप्लिन एंश्योर किया जाता है, योर अटेंडेंस और योर यूनिफॉर्म, ये भी कंट्रोल है। एंड द सेम थिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। प्लानिंग विल बी ओनली प्लानिंग ओनली ऑन पेपर अनलेस एंड अंटिल इट डजंट प्रोवाइड द फ्रूटफुल रिजल्ट जो हम चाहते थे, वहां हमारा चैप्टर आता है कंट्रोलिंग। इफ यू लुक ऑन टू द सीन, यू विल ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन यू विल सी मतलब कि आई मेड दिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम टू स्टार्ट ऑफ हम लोग कहते हैं, तो हम कहते हैं व्हाट इज कंट्रोलिंग, मींस दैट इंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। चाहे वो हमारे कितने हमने प्लानिंग पढ़ी है, वी हैव स्टडीड अ नंबर ऑफ प्लान्स, we have studied budget, we have studied rules, we have studied policy, to kya unko hum implement kar rahe hain, are we able to implement it in the same manner as we have to? Secondly, aapka aata hai what is the nature or feature or characteristics, ye paper mein aata hai, lekin isme sirf ek hai jo baakiyon se alag hai, baaki teenon same hai. कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो हम कंट्रोल करने वाले हैं, जिस पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर गोल के लिए है। लाइक अकाउंट्स, अगर मतलब कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस को लेकर चल रहा है, चेकिंग करता है, टाइम टू टाइम अकाउंट्स को मतलब कि चेक करता है, तो उनका गोल है अपना, जो उनका मतलब कि व्हाटएवर देयर टारगेट इज उसको पूरा करना।
प्रोडक्शन अगर टाइम टू टाइम अपने सैंपल्स को चेक करता है, इफ इट इज चेकिंग इट सैंपल्स, तो उनका गोल है उसको देखना वेदर द प्रोडक्शन इज गोइंग एज पर व्हाट दे हैव थॉट. तो दैट इज गोल ओरिएंटेड. सेकेंड, इट इज कॉन्टिन्यूअस. थर्ड इज, सॉरी, इट इज कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस मतलब ऐसा नहीं कि एक प्लान खत्म हुआ तो दूसरा नहीं होगा. सो इट गोज ऑन. एक जगह पे प्लान हमारा कंट्रोल खत्म हुआ, अगेन समथिंग विल कम अप. जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, सारे के सारे फंक्शन जिंदा है. हिंदी में इट इज परवेसिव. सुपरवाइजरी लेवल पर जो कंट्रोलिंग है, दैट्स ऑन द वर्कर्स, दैट इज ऑन द रॉ मटेरियल, दैट इज ऑन द टाइम. मिडिल लेवल पर जो कंट्रोलिंग है, दैट इज ऑन द एक्शंस दैट हैज टू बी टेकन. एंड जो आपका टॉप लेवल पर है, दे आर पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी, मतलब इट वुड बी डन इन ऑल द वेज इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट वाला हो या नॉन प्रॉफिट वाला, मतलब कि लोअर लेवल हो या हायर लेवल, एवरीवेयर दैट इज परवेसिव. ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस कम्स इन द पेपर. ये आपके पेपर में आता है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड? मतलब कंट्रोल हम पहले तो जो हमने प्लान किया है, अभी ये अलग से आएगा और अलग से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है. जो हमने प्लान किया है हम उसको देखते हैं, मतलब हम जो चेकिंग होती है, मतलब हमने क्या सोचा था और क्या हुआ. एंड इट इज फॉरवर्ड बिकॉज हम आगे के लिए भी देन वी डू इट. This is one of the very important point of controlling. Now, why do we need? इसको तो कहने की वैसे जरूरत नहीं है. इस पर अगर आप अपनी पढ़ाई पर कंट्रोल नहीं करोगे तो योर रिजल्ट आर नॉट गोइंग टू बी वॉट यू वॉन्ट. इफ आई एम नॉट कंट्रोलिंग ऑन माई मतलब की टीचिंग और ऑन माई एनी थिंग, तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा. तो कंट्रोलिंग इज एक्चुअली नेसेसरी इन एवरी स्फीयर ऑफ अवर लाइफ. इन अ कंपनी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का जो गोल है वो बिल्कुल वैसा ही हो. अब देखो बच्चा, 19-20 तो जरूर चलता है, बट यू आर एबल टू अचीव, देन इट इज बिकॉज यू हैव अ गुड कंट्रोलिंग सिस्टम. कंट्रोल करोगे, कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ आती है, आप वहीं पर उसको जो है यू कैन टेक दी measures. So it will help you to use optimum utilization of your resources, chahe wo human ho, physical ho, capital ho, teeno aapke resources bahut important hai. Agar aapne proper ek system rakha hai to aapko pata hai kahan karna hai kahan nahi karna. It ensures, kyunki control system ke andar it's not only on the things, it is on the humans as well. तो कंट्रोल सिस्टम है, जैसे कंपनीज के अंदर क्या है, यू शुड मतलब कि आजकल क्या है, दे हैव द ईआरपी सिस्टम्स, दे हैव द सिस्टम ऑफ, मतलब कि पहले क्या होता था, जाकर आप सिग्नेचर्स करते थे. आजकल क्या है, आपके थंब प्रिंटिंग है, कार्ड सिस्टम है. तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एक गुड कंट्रोल सिस्टम होता है इफ इट इज इक्वली इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल पीपल. लव टू वर्क, कंट्रोल होगा तो कोऑर्डिनेट करोगे. कोऑर्डिनेट मतलब एक टीम दूसरे टीम से,
एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, एक लेवल दूसरे लेवल से, एंड जो मेन एक कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो है जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है. द स्टैंडर्ड दैट यू हैव सेट दैट वुड बी मेजर्ड. हो सकता है कि आपने एक दिन के लिए 100 टारगेट्स जो है वो सेट किया है. एट द एंड व्हेन यू चेक और आप देखते हो कि यस 100 यूनिट्स बन गए हैं तो आपका एक्यूरेसी है, लेकिन 100 की जगह 110 बन गए, 97 बन गए, इट इज ओके. लेकिन 100 की जगह सिर्फ 70 बने, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है. वो गड़बड़ कुछ भी हो सकती है. इट इज नॉट दैट द वर्कर्स आर नॉट वर्किंग, इट कैन बी रॉ मटेरियल्स फिनिश हो गया, करंट चला गया, मशीन्स खराब हो गई, एंड आपको इमीडिएटली यू हैव टू टेक अप द मेजर्स फॉर दैट. Now, but sometimes limitations are, मतलब कि बहुत कम आता है, but sometimes if you look into the controlling system, अब आपको सामान मतलब कि आपने कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करोगी, यू विल बी सेटिंग सम स्टैंडर्ड, बट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करना बहुत मुश्किल होता है. द रीजन इज एक इंसान का, इफ टू वर्कर्स आर देयर, तो दो वर्कर्स के जो आउटपुट है दे मे नॉट बी द सेम. समटाइम्स अगर आप अपने एम्प्लॉइज पर कंट्रोल करते हो यूजिंग द कंट्रोलिंग मेजर्स, लाइक इन सम ऑफ द, आजकल तो सारे के सारे रेस्टोरेंट्स में होता है, दे पुट द सीसीटीवी कैमरा. एग्जाम का ही ये क्वेश्चन है. दे पुट द सीसीटीवी कैमरा, तो जो सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, दे रेसिस्ट. इन आवर स्कूल व्हाट हैपेंड इज देयर वर मेनी टीचर्स जो लोग क्या करते थे हैं क्या करते थे वो लोग क्या करते थे, हमारे स्कूल में बैठ जाती थी एंड बैठ कर दे उठे ओके स्टार्ट करो बच्चा. और अगर उनको पता लगता था प्रिंसिपल मैम इज ऑन ग्राउंड और सुपरवाइजर इज ऑन ग्राउंड, तो खड़े होके ऐसे पढ़ाएंगे जैसे पता नहीं कितना पढ़ा रहे. नेचुरल है कि ऐसी बातें छुटती नहीं है. तो टू गेट दिस कंट्रोल सिस्टम, हमारे प्रिंसिपल मैम ने कहा जितनी भी टीचर्स की चेयर्स है वो सब कुछ हटा दो. इट वॉज रॉन्ग. हम टीचर्स कोई भेड़ बकरी थोड़ी है भाई कि हम खड़े हो जाएं, कभी हमें बैठने की भी जरूरत पड़ती है. तो नेवर, ऑफकोर्स मैं तो वैसे भी खड़ी होके पढ़ाना पसंद करती हूँ, ये तो घर है तो अलग बात है, नहीं तो मुझे तो खड़ा होके पसंद करना बहुत अच्छा लगता है. एंड आई एम नॉट, मैं प्रेज नहीं कर रही हूँ, इट्स अ रियालिटी. बट वी रेसिस्टेड कि दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. We are ladies. We may need to sit. We may need to check. और कई बार ऐसे कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं विच आर नॉट ह्यूमन, बट देन द एम्प्लॉयज मे रेसिस्ट, दे मे नॉट लाइक. भाई आपके सर पर हमेशा कोई बैठा रहे आपको थोड़ी अच्छा लगेगा, आपको हमेशा पोक किया जाए, यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दिस, डजेंट लुक नाइस. कॉस्टली अफेयर, क्योंकि आपको कंट्रोलिंग के लिए सिस्टम्स करने पड़ते हैं, लाइक आजकल ईआरपी सिस्टम इज देयर, देन दी अटेंडेंस सिस्टम इज देयर, मतलब कि सीसीटीवी कैमरा सिस्टम इज देयर. सिमिलरली इन दी कंपनीज ऑल्सो देर आर सो मेनी सिस्टम्स, उसको एंड एक्सटर्नल फैक्टर आप कभी नहीं कर सकते. ये दिस इज द वन विच इज यू कैन से अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. What is the relation between planning and controlling?
बहुत 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 इम्पोर्टेंट। प्लानिंग कहता है फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग कहता है फॉरवर्ड लुकिंग, अनकंट्रोलिंग कहता है बैकवर्ड लुकिंग। मतलब प्लानिंग आगे के लिए है, फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे के लिए है। प्लानिंग हम आगे के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, और जो हमने प्लान किया है हम उस पर कंट्रोल करते हैं, यानी कि प्लान हम पहले करते हैं, कंट्रोल बाद में करते हैं। इसीलिए कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड, बट प्लानिंग इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। क्यों भाई? इस बार हमने कंट्रोल किया, हमें रिजल्ट्स मिले, हम उसके आधार पर अगली प्लानिंग करते। मान लो वी हैव प्लान दैट वी मस्ट हैव 100 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अब हमने कंट्रोल किया, वी केप्ट ऑल द मेजर्स एंड हमारा आउटपुट आया 90, तो हमने देखा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, हमने 100 कहा है तो 90 क्यों आया। वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, हमें पता लगा कि लेबर्स हमारे पास कम है। तो हमने अगली प्लानिंग में, अगर हम एग्जिस्टिंग लेबर को ही रखना चाहते हैं तो हम अगला प्लानिंग जो करते हैं उसमें हम 90 कर देते हैं अपना, या अगर हम 100 चाहते हैं तो हमें दो लेबर्स चाहिए, हम लेबर्स ले लेते हैं। यानी कि हम जब अगली प्लानिंग करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोलिंग इट कम्स। दिस इज द दीज आर द फोर पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू राइट। और ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, प्लानिंग, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग बैकवर्ड, या फिर ऐसा भी आता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स। मतलब इनको आप अलग नहीं कर सकते, प्लानिंग के आधार पर ही कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग जो होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लानिंग करो। कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड दैट वी डेवलप बाय प्लानिंग। क्वांटिटेटिव भी होगा, क्वालिटेटिव भी होगा। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर, क्वालिटेटिव मतलब आप जो आगे यूज करना चाहते हो, दैट कैन बी मटीरियल, दैट कैन बी प्रोड्यूस गुड, दैट कैन बी द स्पेसिफिकेशंस। प्लानिंग अगर आपने किया और कंट्रोल नहीं किया तो इट इज मीनिंगलेस। यानी कि इन अनदर वे, प्लान आपको प्रिस्क्रिप्शन है और कंट्रोल उसको चेक करता है। सो दैट इज व्हाई वी से बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। नाउ द स्टेप्स इन परफॉर्मिंग द कंट्रोलिंग प्रोसेस। पेपर में इसका एक एक, मतलब कि यू मे बी आस्क्ड, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो आपका ऑर्गेनाइजिंग में था, जो आपका प्लानिंग में था, सेम। सबसे पहले कंट्रोल किस पर करना, मशीनों के चलाने पर, वर्कर्स के बिहेवियर पर, टाइम पर, क्वालिटी पर, ना मतलब कि आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर, किस पर करना, फिर आप उसके लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड करते। मतलब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब इट कैन बी क्वालिटेटिव, अगर आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो। इट कैन बी क्वांटिटेटिव, यानी कि 100, 200, 500। क्वांटिटेटिव करना जो है इट इज इजी, बट क्वालिटेटिव करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्वालिटी को एग्जैक्टली हम एनालाइज नहीं कर सकते। देन आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कर दिया, यानी कि अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक कंपनी ने मतलब कि एंश्योर किया दैट इन वन मंथ द नंबर ऑफ यूनिट्स दे नीड टू प्रोड्यूस इज 1000, ठीक है। अब ये था सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इतना करना है वन मंथ दे, मतलब कि इन द मीन वाइल उन्होंने जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेशर करने के बाद उन्होंने उसको मेशर किया,
1000 था, लेकिन आफ्टर वन मंथ दे मेजर्ड दैट इट वाज ओनली 850 यूनिट्स दे हैड परफॉर्म. मतलब उतना ही टाइम, वही मटेरियल, उतने ही नंबर ऑफ वर्कर्स जो उन्होंने प्लान किया था. अब उन्होंने दोनों को कंपेयर किया और डिविएशन को देखा, 150 हजार बनाने थे लेकिन ओनली 850 वर मेड. सो इट वाज 150 डिविएशन. डिविएशन का मतलब होता कितना कम या ज्यादा हुआ. नाउ द नेक्स्ट स्टेप यानी कि फाइनल स्टेप वाज टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिविएशन. अब उन्होंने कॉज को फाइंड किया और उनको पता लगा दैट मेनी वर्कर्स वर एब्सेंट ड्यू टू फेस्टिवल. मेनी वर्कर्स वर एब्सेंट ड्यू टू फेस्टिवल. तो उन्होंने उसके लिए जो करेक्टिव मेजर्स हैं, यानी कि उसके लिए उन्होंने जो है दे ट्राई टू फाइंड आउट कि नेक्स्ट मंथ अगर बीच में फेस्टिवल आ रहा तो वो कैजुअल लेबर्स उठा लेंगे. सो दे ट्राई टू मेक आउट द मतलब कि डिविएशन को कैसे ठीक किया जाए. तो अगर ऐसा हम हर हफ्ते का, महीने का या 3 महीने का करते हैं तो हमारे ओवरऑल 1 ईयर का जो हमारा टारगेट होता है दैट कैन बी इजिली डन. तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब व्हाट आर द वेज हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि भाई काम वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं. तो द वेरी फर्स्ट इज यू कैन मतलब एट द मैनेजरियल लेवल आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हो. रैंडम इन द अकाउंट्स आप अकाउंटिंग रेशियो को देख सकते हो. भाई जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू वन, एवरी मंथ वी हैव मतलब कि आई सेट अप सर्टेन बजट फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग, घूमना फिरना सबके लिए एंड सेट अप. तो सर्टेन टाइम्स व्हाट हैपेंस इज विद इन द वेरी फर्स्ट 1 वीक, मैं मतलब इन चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, तो विद इन 1 वीक आई फाउंड आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी. रीजन चाहे कुछ भी था, इट वॉज नॉट अननेसेसरी बट स्पेंड हो गया. तो ये जो मैंने स्पेंड हो गया, जो मैंने बोला ना दैट इज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, मतलब मैंने कितना सेट किया हुआ था और मतलब कि स्टार्टिंग के 1 वीक में हाउ मच आई स्पेंड. This is how we in the organization also we check up. जब मैं institute रखती थी तो because I was all alone, मेरा तो एक तरह से even though it was not like a business but फिर भी मैं alone थी. तो चाहे मुझे papers खरीदने हो या मेरा printing के लिए I have to buy the cartridges, I have to set up. तो मैं set up करती थी. तो I would be checking up the accounting ratios कि कितना मतलब कि कितने दिन में कितना हो रहा है. I always made it sure. I would make मतलब मेरा एक मतलब वहां पर तो I had more than 250 students. तो वहां पर मेरा एक अच्छा वो रहता था, मतलब मेरे parents का एक बहुत अच्छा वो था. Some of the parents were very 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 मतलब कि prompt. मैं उनके बाद तो मुझे याद आता था कि महीना भी start हो गया. So they would be first 10 days, I would receive some payments. Maximum meri payment aati thi 10 to 20 ke beech. Maximum. Aur phir, jo last bach jaate. Toh main kya karti thi, un tino payments ko accounting ratio mein, I would be analyzing. Toh jo meera first 10 days hota tha, kyunki meera rent jata tha bahut heavy. Rent ho gaya, electricity bill ho gaya. मतलब कि आई हैड अ मेड सर्वेंट, उसके लिए हो गया, कार्ट्रिजेस हो गया. तो मेरा फर्स्ट 10 डेज वाला बिल्कुल उसी में चला जाता. देन द सेकेंड 10 डेज आई टेक अप एंड आई कीप अप उसका एक रेशियो में अपने मतलब कि जो मेरे को घर में वो करना है उसको यूज करती थी. एंड जो थर्ड होता था वो मैं आई वुड बी कीपिंग इट फॉर माई सर्कुलेशन एंड सेविंग्स. तो हमें अपनी कंपनी के अंदर ऐसे अकाउंटिंग रेशियोज मतलब कि ऐसे परफॉर्मेंस एनालिसिस रखने पड़े. और एल्स आपस आया, आपने खर्च किया,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मांगा, आपने उनको दे दिया, आप एचआर ने बोला, आपने उनको दे दिया, अल्टीमेटली यू विल फाइंड यू हैव नथिंग. तो टाइम टू टाइम यू कैन चेकअप जैसा आप चाह रहे हो. मतलब जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज, थर्ड 10 डेज. तो क्या इज इट वो रेशियो जो मेरा जा रहा वो सही है? फोर्थ इज आप ऑब्जर्व कर सकते हो. नाउ डिसिप्लिन, आप अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व कर सकते हो वेदर दे आर कमिंग ऑन टाइम. रैंडमली आप जाकर चेक कर सकते हो हाउ मच टाइम दे आर स्पेंडिंग इन, मतलब कि अपने लिए रेस्ट लेने के लिए. रैंडमली यू कैन ऑल्सो गो फॉर एनी अदर ऑब्जर्वेशन. तो आपको टाइम टू टाइम आप चेक कर रहे हो. फोर्थ इज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन प्रोडक्शन, और वो है आपका सैंपल चेकिंग. यानी जो आपका सामान बन रहा है, बनने के बाद पूरा स्लॉट खराब हो गया तो आप क्या करोगे? आपके लिए वेस्ट हो जाएगा. अगर आप इन बिटवीन उस सैंपल्स को चेक करते हो, रैंडमली चेक करते हो, तो हो सकता है आप वहीं पर उसको स्टॉप कर दो जहां वो खराब आपको लगा, मटेरियल खराब लगा, या आप जैसा फिनिश चाहते थे वो कलर नहीं आया, वो मतलब कि ट्रेंड नहीं आया, आप वहीं पर उसको ठीक कर सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन ऑल द बिजनेस प्रोसेस. सैंपल चेकिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड देन यू कैन वहीं पर, क्योंकि अगर आप सोचो कि पूरा सब कुछ खत्म होने के बाद करोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेस्ट. सो यू कैन टेक अप द मेजर्स देयर. नाउ अब आता है व्हेन वी से, ये तो था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है? यानी कि टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम यू कैन कीप अ कंट्रोल, यू कैन कीप, आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस रिपोर्ट लाओ. मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा था, मैंने आपको 3 दिन का टाइम दिया, आज 1 दिन हो गया, क्या किया अभी तक? अभी तक आपने क्या किया? नेचुरल है कि भाई परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द डिटेल्स. तो आपने अगर एज अ बॉस पूछ लिया तो जो बंदा आपके नीचे जो सबॉर्डिनेट काम कर रहा है वो भी डर जाएगा, तो उसने भी कुछ ना कुछ काम करके रखा होगा, उसने भी अपना टाइम एनालाइज करके रखा होगा. अगर आप नहीं करोगे 3 दिन बाद वो कहेगा सर मैं तो भूल गया था, हो गया. तो देयरफॉर इट इज रैंडमली. देन अब आप देखते हो कि भाई सैंपल चेक किया, आप लाइट ब्राउन चाहते थे, डार्क ब्राउन आ गया. क्वालिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी. इजी, मतलब वो डिफिकल्ट होता है. कलर्स में 19-20 का होना बहुत जायज होता है. वेरस आप 100 चाहते थे, 60 बना. तो आपने पहले कंपेयर किया. अब आपका आता है कि भाई वो डीविएशन क्यों हुआ? ये वाला जो मतलब कि है ना, सम डीविएशन एक्सपेक्टेड, इसको तो आप रट लेना क्लास 12, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की, मतलब कि व्हाट यू कैन से, कंसेप्ट इन इवन BBA एंड MBA. पूरा एक अलग प्रोजेक्ट है, इस पर सबसे अलग प्रोजेक्ट है. तो क्या डेविएशन हुआ? आपने देखा कि आप 100 चाहते थे, 60 हुआ, तो क्यों हुआ? तो नाउ यू विल बी फाइंडिंग आउट, मतलब कि वाई. कुछ डेविएशन ऐसे होते हैं विच कैन बी एक्सेप्टेड. हम इसको दो कहते हैं क्लास, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमारा दो होता है, MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एंड दूसरा होता है CPC, कंट्रोल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. नाउ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब सिर्फ उस क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब सीरियस, सिर्फ उस पॉइंट पर कंट्रोल करना जिसकी वजह से डिविएशन हो रहा है. एंड
मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है सर्टेन टाइम्स टू सम एक्सटेंट द डिविएशंस आर एक्सेप्टेड. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप 100 सोचते हो और 98 हो गया तो दैट इज नॉट डिविएशन, दैट इज नॉट डिविएशन. एंड इवन इट इज 98 की जगह 104 हो गया तो भी वो डिविएशन नहीं. तो हमें सर्टेन एक्सेप्टेबल लिमिट्स भी करना चाहिए. भाई अब 19-20 जिसको हम बोलते हैं वो यही है. मे बी इट इज 100 है तो 95-96 हुआ तो इट इज परमिसेबल. उससे नीचे जाएगा तो देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट द मैनेजमेंट कि भाई इससे भी नीचे जा रहा है. तो सबसे पहले वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज अवर एक्सेप्टेबल रेंज. मतलब अगर हमने 100 बोला है तो 90 तक एक्सेप्टेबल है, 95 तक एक्सेप्टेबल है, 105 तक एक्सेप्टेबल है. पहले ये भी मतलब 19-20 का फर्क तो होगा ही होगा. देन हमें देखना पड़ेगा वेदर मतलब देर आर सर्टेन पॉइंट्स. अगर मान लो पोस्टल चार्जेस बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने पोस्टल चार्जेस बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने पेट्रोल चार्ज भी बढ़ा दिया. द एग्जाम्पल इज गवर्नमेंट ने पोस्टल चार्जेस बढ़ा दिया और पेट्रोल चार्ज भी बढ़ा दिया. नाउ टेल मी विच इज मोर इम्पोर्टेंट. पोस्टल चार्ज के बढ़ने से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दैट वुड ओनली एड टू सम पोर्शन. लेकिन पेट्रोल से तो हमारा सब कुछ फर्क पड़ता है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल का आना, हमारा सप्लायर के पास जाना, एवरीथिंग डिपेंड्स. यानी कि इसमें की एरिया क्या है, पेट्रोल है या पोस्टल? पेट्रोल. पेट्रोल है या पोस्टल? पेट्रोल. तो हमें ये चीज को देखनी पड़ेगी दैट कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट या प्रॉफिट पर फर्क आएगा. चीजें तीन चार चीजें हो सकती हैं लेकिन जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल कॉस्ट में फर्क पड़ता है ज्यादा, तो वो हमारा हो जाता है सीपीसी. दैट बिकम्स सीपीसी. यानी कि आपका क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट सब पे फर्क आ सकता है. एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज की रिजल्ट एरिया. हम उसको KRA यानी कि की रिजल्ट भी, की रिजल्ट मतलब उससे फर्क आ रहा है. तो देर आर मतलब कि एक होता है यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई किस 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 स्टैंडर्ड के बढ़ने या घटने से आपकी ओवरऑल पे फर्क आ रहा है. देन यू हैव टू टेक द डिविएशन ओनली फॉर दैट. सब पर नहीं कर सकते हो आप. एंड सेकेंडली देर शुड ऑलवेज बी अ परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड. और इसके लिए पेपर में क्वेश्चन आता है एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग. यानी कि हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो यू हैव टू कंट्रोल ओनली दोज थिंग्स विच आर मतलब कि विद इन द लिमिट्स. आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. सो दिस इज हाउ. अगर आपको लगता है कि भाई बहुत सिग्निफिकेंट है तो आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा. भाई 100 आपने सोचा था, 70 बन रहा है, नहीं हो रहा है. आप बार बार करने की कोशिश करो, 70 से ऊपर नहीं आ रहा. यू हैव टू टेल मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट क्या करेगा, इट विल टेक द करेक्टिव स्टेप्स. अगर उनको लगता है कि भाई डिविएशन एक्सेप्टेबल मतलब की रेंज से बहुत ज्यादा हो रहा है, देन दे मे, अगर उनको लग रहा है कि अब वो फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द रीजन. टेक्नोलॉजी एब्सोलेट है, स्टाफ कम है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर नहीं आ रही है, स्टाफ को काम करना नहीं आ रहा है, मशीनों को रिपेयरिंग की जरूरत है, उसकी वजह से वो सिर्फ 70 ही आ रहा है, देन दे विल टेक अप द कोरेक्टिव मेजर्स. और अगर कोरेक्टिव मेजर्स नहीं लिया जा रहा, कभी कभी ऐसा होता है विच इज नॉट इन आर ओन कंट्रोल, उस वक्त में वी कैन रिवाइज द एंटायर स्टैंडर्ड. लाइक 100 की जगह वो 90 कर देंगे या 80 कर देंगे.
इफ सब बिल्कुल ठीक है सब कुछ, फिर भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया वो हमने इमेजिनरी कर दिया, उसको हम ठीक करेंगे। तो दिस इज ऑल इन द चैप्टर कंट्रोलिंग। सबसे पहले कंट्रोलिंग में आपका आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, ऑल द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म जैसा हमने प्लान किया। इट इज अ गोल ओरिएंटेड, अ परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। अ गुड कंट्रोलिंग सिस्टम होने से गोल्स ऑफ द कंपनी कैन बी अकम्प्लिश, वी कैन यूज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज, इट एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड क्रिएट्स मोटिवेशन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड जजेस द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग बैकवर्ड, क्योंकि अगर प्लानिंग है एंड कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग इज फ्यूटाइल, एंड कंट्रोलिंग के लिए यू नीड सम स्टैंडर्ड विच इज डन बाय प्लानिंग। सो दोनों आपस में जुड़े हुए, दे आर इनसेपरेबल। देन द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, फर्स्ट वी सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जैसे मैंने बोला कलर, मटीरियल क्वालिटी, क्वांटिटी टाइम। एक मतलब कि जो वर्कर है ही हैज टू पुट 8 आवर्स टाइम और एनी यूनिट, ही हैज टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, देन यू हैव टू मेजर इट टाइम टू टाइम। आप परफॉर्मेंस एनालाइजिस, अकाउंटिंग रेशियो, सैंपल चेकिंग, ऑब्जर्वेशन, इनके थ्रू आप मेजरमेंट को चेक कर सकते हो कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है, और अगर कोई डिविएशन आपको लग रहा है तो आप उसको वहीं पर चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो व्हाट इज द डिविएशन एंड टेक द स्टेप्स। सो दैट इज द एंटायर चैप्टर कंट्रोलिंग। इसके अंदर व्हेन वी से एनालाइजिंग डिविएशन, तो उसमें हमारा आता है CRA, दैट इज सॉरी CPC, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, एंड KRA, दैट इज आपका की रिजल्ट एरिया। तो क्रिटिकल पॉइंट के अंदर ही KRA आता है, मतलब हमें वो उस पॉइंट को पकड़ना है जिसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल सफर हो सकता है। उस की एरिया मतलब कि CPC मतलब वो पॉइंट को पकड़ना है जिससे कि हमारा की रिजल्ट एरिया में फर्क आए, की मतलब मेजर मेन। और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके लिए हम परमिसिबल लिमिट्स रख सकते हैं। अगर हमने 100 बोला है तो हम उसको 95 तक हम उसको एक एक्सेप्टेबल लिमिट करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस हैं, कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तो आप ये तो बोल नहीं सकते हो कि 100 तो 100 ही होगा, तो आप आगे पीछे कर सकते हो। एंड देन इफ यू फाइंड द डिविएशन आर बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज या दे आर अफेक्टिंग द की रिजल्ट एरिया, आपको इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए। तो जब आप रिजल्ट को देखोगे तो आपको ये भी पता होगा रीजन क्या है, अगर एम्प्लॉयज आउटपुट सही नहीं है उसको आप ठीक करोगे, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उन्हें मशीनों पे काम नहीं करना आ रहा। इफ इट इज समथिंग रिलेटेड टू मटीरियल्स, मटीरियल्स टाइम से नहीं पहुंच रहे, आप इंश्योर करोगे वो टाइम से पहुंचे। मशीनें खराब हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, उनको चेंज या ठीक करोगे। इफ यू फाइंड दैट यू नीड एडिशनल स्टाफ वो करोगे, सो यू विल टेक एंड। बट अगर आपको लगता है कि इन सब के बावजूद यू आर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट, देन यू नीड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड। ओके, कई बार हो सकता है कि द स्टैंडर्ड मे बी नॉट व्हाट वी एक्चुअली, हमने तो कर दिया, हमें लगा ऐसा हो सकता है, बट मे बी इट इज नॉट, तो देन वी रिवाइज द स्टैंडर्ड्स। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ चैप्टर कंट्रोलिंग।